नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से ट्रेड किया, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट थे जिसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया या सपोर्ट पे कहां से बाउंस बैक हुआ, वो सारी चीजों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो चलिए, ये बैंक निफ्टी में आज जैसा आप देख रहे हैं कि जैसा ये कंटिन्यू यहां पर जो है 15 ट्रेडिंग सेशन से यहां पर एक बैंक निफ्टी का रेंज में चल रहा है। ये देखिए, जैसा कि आप यहां पर कर सकते हैं, फाइनली जो है अगर आज हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज वो लास्ट हाई क्रॉस करने की कोशिश की, मीन्स जो हमारा लास्ट हाई जो लगा था 30,200 के आसपास का, आज बैंक निफ्टी ने 30,200 का लेवल भी क्रॉस किया और जो हाई लगाया वो 30,350 के आसपास का लगाया। बट जो क्लोजिंग आई है वो 30,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई। अगर यही क्लोजिंग अगर 30,200 के ऊपर आती तो एक बहुत अच्छी क्लोजिंग हो सकती थी। बट मेरे हिसाब से अभी भी बैंक निफ्टी अब काफी बुलिश लग रहा है क्योंकि डाटा एनालिसिस के हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी जो है काफी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया वो 30,351 का लगाया और जो लो लगाया वो लगाया ये देखिए 29,951 का। तो हम कह सकते हैं कि रेंज तो 400-500 के बीच में ही रही, बट जो है बैंक निफ्टी आज वॉलेटाइल बहुत रहा। तो बात करेंगे हम यहां पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहां पर लगाएंगे और मैं आप लोग को यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो बैंक निफ्टी की आज यहां पर ओपनिंग हुई थी वो नियर अबाउट आप कह सकते हैं फ्लैट ओपनिंग एक हुई थी। तो ये 5 मिनट का कैंडल हमने लगा लिया है। अब ये देखिए, आज ये देखिए फ्लैट ओपनिंग हुई थी और फाइनली देखिए जो बाउंस बैक हुआ वो बाउंस बैक कहां से हुआ, वो बाउंस बैक इसी लेवल से हुआ जहां पर प्रीवियस डे का एक स्विंग लो लगा हुआ था। फाइनली यहां से देखिए बैंक निफ्टी की ये ओपनिंग हुई है, ठीक है, और यहीं पर काफी देर सस्टेन करने के बाद यहां पर जो है एक तेजी आई थी। और देखिए मैंने यहां पर आपको एक मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको पोस्ट किया था, यहां पर ये देखिए इस तरह से बैंक निफ्टी जो है एक कंटिन्यू इस तरह से आप कह सकते हैं ट्रायंगल में जो है ट्रेड कर रहा था। तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि जैसे ही ट्रायंगल ब्रेक करेगा, देखिए मैंने आपको यहां पर एक ऊपर का एरो बना के बताया था, ठीक है, ऊपर का एरो बना के बताया था कि मतलब अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम जो है ऊपर का ट्रेड लेंगे। देखिए यहां पर जहां पर हमको सस्पेंस होता है वहां पर मैं आपको डबल एरो बताता हूं, जैसे कि ऊपर का एरो और नीचे का एरो टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ऊपर का एरो बताया था बिकॉज मैं यहां पर डाटा एनालिसिस भी कंटिन्यू कर रहा था और डाटा एनालिसिस के हिसाब से यहां पर बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा था। सो मेरे को यहां पर लगा कि अब बैंक निफ्टी जो है ये लेवल ब्रेक करना चाहिए। सो फाइनली पोस्ट करने के 2-4 मिनटों के बाद ही यहां पर जो है लेवल ब्रेक हुआ और मैंने यहां पर आपको दो कॉल भी दी थी जो कॉल आज बहुत अच्छी चली है, बहुत जबरदस्त चली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस चार्ट, ये जो चार्ट मैं आपको पोस्ट करता हूं टेलीग्राम चैनल में, इसके थ्रू आप जो है आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी और आप जो है इससे एक अच्छा ट्रेड ढूंढने में आपको ये चार्ट जो है मदद करता है। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए मैं वहां पर आपको कंटिन्यू जो है कॉल्स वगैरह देता रहता हूं, वहां पर मैं आपको चार्ट पोस्ट करते रहता हूं। सो आपको टेलीग्राम चैनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चैनल जरूर ज्वाइन करिए और वहां से जो है इसका बेनिफिट उठाइए। आप वहां से टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, मैं ये जो चार्ट के जो है लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं वो चीजें आप देख सकते हैं। वहां पर मैं कुछ कॉल्स, एक कॉल्स मिनिमम तो मैं डेली आपको वहां पर देता ही हूं और श्योर शॉर्ट कॉल मैं वहां पर आपको देता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद देखिए मैंने आपको यहां पर एक चीज और बताई थी, अब मैं इसको 30 मिनट का चार्ट लगाऊंगा और 30 मिनट के चार्ट के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए मैंने यहां पर आपको एक ये देखिए यहां एक फर्स्ट बॉटम बना हुआ था और यहां पर एक सेकंड बॉटम, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक चार्ट आपको पोस्ट किया था और मैंने आपको यहां पर बताया था कि यहां पर डबल बॉटम बन रहा है और डबल बॉटम के बाद यहां पर 200 से 250 पॉइंट्स का यहां पर डाउनफॉल आ सकता है। सो अगर हम यहां पर देखें तो 240 पॉइंट्स का डाउनफॉल हमको मिल गया, हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया क्योंकि हमारा 200 से 250 पॉइंट का जो है हमारा टारगेट था और 240 पॉइंट जो है यहां पर डबल बॉटम बनने के बाद यहां पर जो है 240 पॉइंट हमको जो है ऊपर से डाउनफॉल हमको मिल गया। सो एक कॉल मैंने आपको यहां पर ये दी थी, दूसरी कॉल जो दी थी ये मैंने आपको ये जो ट्रायंगल ब्रेक होने के बाद ये दी थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो जरूर जो है मतलब चैनल को आप जो है देखिए, कोई भी चैनल पैटर्न है या फिर वो ट्रायंगल पैटर्न है या फिर वो सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस है, वो ट्रेंड लाइन है, उसको ड्रॉ करना सीखिए, उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। वो प्रैक्टिस करने के बाद देखिए आप मैच्योर होंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप यहां पर मैच्योरिटी आपके अंदर नहीं आने वाली है। चलिए
अब बात करते हैं हम कल के बारे में कि कल बैंक निफ्टी किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सो यहां पर अब हम देखेंगे कि ये देखिए जो आज की जो जो हाई लग गया है वो 30,350 का हाई लग चुका है। तो हमको जो है क्लोजिंग, जो हमको प्रीवियस हाई की अगर क्लोजिंग मिल चुकी होती अगर आज 30,200 के ऊपर, तो हम यहां पर सुपर बुलिश हो सकते थे। अब यहां पर देखिए कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अब हम मैं आप लोगों को एक यहां पर इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ये देखिए ये यहां से नीचे से मैंने यहां से हम ले लेते हैं और ट्रेंड लाइन को हम पकड़ के कंटिन्यू इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। अब देखिए अगर यहां पर बैंक निफ्टी में कोई भी बैड न्यूज आती है या फिर बैंक निफ्टी मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो आपके लिए ये एक बेस्ट जगह है। ये ट्रेंड लाइन आपके लिए एक बेस्ट जगह है बाइंग के लिए। देखिए मार्केट में इस टाइम जो मार्केट की जो मौजूदा कंडीशन है, जो करंट कंडीशन इस टाइम चल रही है, जो डाटा एनालिसिस जो कह रहा है वो बाइंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है। सो आप यहां पर जो है बाइंग के मौके ढूंढिए रेदर देन सेलिंग। सेलिंग के अगर आप करते भी हैं तो वहां पर जो है जल्दी से प्रॉफिट बुक करने की सोचिए, उसको ज्यादा देर होल्ड मत करिए। बाइंग ट्रेड आप होल्ड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करने की अब बात करेंगे। तो यहां पर देखिए अगर मान लीजिए यहां पर गैप डाउन ओपनिंग होती है और अगर आपको इस लेवल पर मिलता है, तो यहां पर आप कैंडल कंफर्मेशन के बाद आप यहां पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। और मान लीजिए आपको यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर देखिए अभी हम मैंने आपको बता दिया गैप डाउन ओपनिंग में आपको क्या करना है। गैप डाउन ओपनिंग में आपको या इस लेवल पर आपको मिलती है मार्केट या फिर इस ट्रेंड लाइन पर। ये ट्रेंड लाइन तो आपके लिए एक बेस्ट है, सोने पर सुहागा है ये। यहां पर अगर ट्रेंड लाइन पर आपको यहां पर मिलती है बैंक निफ्टी और उसके बाद वहां पर कैंडल कंफर्मेशन के बाद अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो वहां से आप बाइंग बनाइए, बहुत अच्छा वहां से आपको ट्रेड मिलेगा। दूसरा बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। अगर गैप अप ओपनिंग आती है 30,350 के ऊपर, तो वहां पर आप फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को देखिए, अगर वो बुलिश है तो उसके बाद आप ट्रेड बना सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर। वो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, वो आपका डे लो रहेगा, ठीक है। तो आप 5 मिनट के कैंडल की एक क्लोजिंग आने दीजिए। अगर वो कैंडल जो है फुल बुलिश है, अच्छा बुलिश है, तो आप जो है उसके ऊपर ट्रेड बना सकते हैं उस 5 मिनट के कैंडल का लो रखकर। अदरवाइज आपको जो है वहां पर एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन का वेट करिए, वो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन का वेट करिए, प्राइस एक्शन का वेट करने के बाद आप जो है जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उस तरफ का आप ट्रेड बना सकते हैं। ये तो था गैप अप ओपनिंग के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है। देखिए यहां पर मान लीजिए अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहां पर अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लेवल पर आने देना है। या तो ये नीचे के लेवल पर आ जाए या तो ऊपर 350 के लेवल पर चला जाए। इस लेवल पर जाने का वेट करना है। इस लेवल पर 30,350 के लेवल पर जाने के बाद यहां पर कुछ ना कुछ 100 से 50 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल आपको जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर जो एक पैटर्न एक्टिव होगा। सो यहां पर 30,350 के लेवल पर भी नजर बना के रखिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो वो तो अच्छी बात है, उसके बाद आप जो है वहां से कंटिन्यू या बाइंग का ट्रेड वहां से ले सकते हैं। मीन्स आपको कम से कम कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड लीजिए, अदरवाइज ट्रेड मत लीजिए। देखिए मार्केट में पैसा जो है बहुत सोच समझ के लगाया करिए, इस तरह से ब्लाइंडली ट्रेड मत किया करिए। कई लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं और मुझे अक्सर स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर आज मेरे को इतना लॉस हो गया। सो देखिए मैं ऐसे कई लोगों को जो है मैं अभी कंटिन्यू उनको जो है प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो अब इस समय उन लोगों ने काफी अच्छा करना शुरू कर दिया है। प्लस उन लोगों को देखिए मैं अपनी कॉल से ही उनकी जो फीस वगैरह होती है अपनी कॉल से ही मैं उनको रिकवर करा देता हूँ। सो मतलब उनको ज्यादा उनके ऊपर ज्यादा जो है प्रेशर नहीं आ पाता है। सो ये तो थी हमारी बैंक निफ्टी की कल की प्लानिंग। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक का ये देखिए, अब मैंने जैसा आपको बताया था कि ये जो एक क्लोजिंग आई थी फ्राइडे की, जो मैंने अभी यहां पर कर्सर रखा हुआ है, फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई थी वो ट्रेंड लाइन के बाहर आई थी। सो ऐसा था कि ये मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। सो यहां पर मैंने आपको बताया था कि बाइंग आपको जो है 616 रुपए के ऊपर करनी है और फाइनली जो है टारगेट आपको 624 का दिया था, 624 का टारगेट आज अचीव हो गया। अब जो है ट्यूजडे के लिए आपको जो है 625 के ऊपर आप बाय बना सकते हैं। यहाँ पहला टारगेट आपका होगा 630, 635 और 640। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए मैंने आपको यहां पर क्लियर कट बताया था, 395 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। 405 का टारगेट दिया था आपको, यहां पर देखिए टारगेट 405 से भी ऊपर गया, 414 का आज हाई लगा है। अब कल के लिए हमको क्या करना है, कल हम जो है 415 रुपए के ऊपर आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। 420, 425 ये हमारे कल के टारगेट होंगे। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक देखिए कंटिन्यू एक लेवल पर सस्टेन कर रहा है। अब ये 1350 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1350 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम यहां पर कम से कम यहां पर हम देखेंगे 1250 के लिए, मीन्स हम 100 पॉइंट्स का टारगेट यहां पर देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से यहां जो है एचडीएफसी बैंक को बाउंस बैक करना चाहिए, बिकॉज आज यहां पर जो कैंडल बनी
करनी है, इसको ध्यान से देखिए। ये एक डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल के बाद कल अगर कोई हैमर कैंडल आती है या कोई एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आती है तो उसके बाद हम कंटिन्यू बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अभी हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए मैं आपको कंटिन्यू जो है एक हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूँ, वन वीक से आपको बता रहा हूँ कि इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इन दोनों को आपको जो है हमेशा बाइंग के लिए देखना है। अभी के सिनेरियो में आपको यहाँ पर जो है इसको सेलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं देखना है। सो यहाँ पर देखिए मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक को मैंने आपको बताया था बाइंग करने के लिए 505 रुपए के ऊपर, और इसका जो टारगेट मैंने आपको दिया था 515 का दिया था, तो फाइनली 515 रुपए का टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया है। अब यहाँ पर जो है 516 रुपए के ऊपर कल आप बाइंग कर सकते हैं, 521, 527 और 532 यहाँ पर जो है टारगेट होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी देखिए आज कितना अच्छा इसने मूवमेंट किया, बस लास्ट के जो है लास्ट के 2 घंटों में यहाँ पर जो है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। यहाँ पर भी मैंने कल आपको बाइंग जो बताई थी 920 रुपए के ऊपर बताई थी, और जो टारगेट आपको बताया था वो 940 और 950 का 930 940 का बताया। तो फाइनली यहाँ पर देखिए 950 का लेवल आज क्रॉस हुआ है, बट क्लोजिंग 950 के ऊपर नहीं आ पाई है। अब यहाँ पर अगर कल आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बाइंग जो है 936 रुपए के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, बट मार्केट का ट्रेंड देखकर बाइंग करना है। बैंक निफ्टी को देखते हुए आपको यहाँ पर बाइंग बनानी है, बिकॉज यहाँ पर एक काफी अच्छी मूवमेंट हो चुकी है और 950 का लेवल टेस्ट हो चुका है। सो 936 के ऊपर यहाँ टारगेट बनाइए और 950 के आसपास यहाँ पर आपको बुक करना है। अब ये देखिए कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद देखिए ये सपोर्ट बना, फिर ऊपर की तरफ गया, फाइनली फिर यहीं पर जो है सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू। अब यहां पर जो हमको बाइंग बनानी है, देखिए मैंने आप कल आपको बताया था बाइंग करने के लिए, तो मैंने आपको 1850 के ऊपर 1855 के ऊपर बाइंग करने के लिए बताया था। सो आज का जो हाई लगा 1856 यहां पर हमारे जो बाइंग एक्टिवेट हुआ नहीं। यहां पर देखिए आप 1860 के ऊपर जो है कंटिन्यू सेफ जाइए, इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 1860 के ऊपर अगर निकलता है कोटक बैंक तो आप जो है 1880 और जो है 1900 के टारगेट के लिए यहां पर जो है कोटक बैंक में बाइंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1860 के ऊपर बाइंग करनी है, 1860 के नीचे कहीं बाइंग मत कर लेना, ट्रैप मत हो जाइएगा आप जो है इसमें ट्रैप हो सकते हैं। 1860 के ऊपर की बाइंग जो है इसको 1880 और 1900 लेकर जा सकती है। नेक्स्ट है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने फाइनली देखिए बहुत अच्छा मूव दिया है। अब देखिए आरबीएल बैंक में मैं आपको लॉजिक एक बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आरबीएल बैंक देखिए तब तक बुलिश है जब तक कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जो हमने नीचे से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, हम इसको तब तक इसमें हम बाइंग की ट्रेड ढूंढते रहेंगे इंट्राडे में जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर आपको ये आरबीएल बैंक दोबारा इस कहीं ट्रेंड लाइन पर मिलता है आप फिर बाइंग यहां पर बना सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब देखिए अगर कल आपको बाइंग करना है यहां पर तो आप वेट करिए कि आपको यहां पर एक छोटी सी करेक्शन मिले, करेक्शन मिलने के बाद कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास या 235 या 236 के लेवल के आसपास अगर आपको मिले तो आप यहां पर बाइंग जरूर बनाइए। ध्यान रखिएगा 235 और 236 का लेवल इसके लिए एक बेस्ट लेवल है बाइंग के लिए। और अगला है हमारा एसबीआई। तो एसबीआई देखिए कंटिन्यू मैं आपको 3 दिनों से यहां पर बाइंग के लिए ही देते जा रहा हूं। पहले मैंने आपको बाइंग दिया था यहां पर 253 के ऊपर, तो 253 के बाद जो यहां पर हाई लगा था 259 का लगा था, उसके बाद मैंने यहां पर बाइंग आपको दिया था 256 के ऊपर, फिर जो इसका हाई लगा वो लगा 264 का, और फाइनली कल मैंने आपको बताया था कि आप इसको 265 के ऊपर बाइंग करेंगे, 270 का मैंने आपको टारगेट दिया था। तो फाइनली यहां पर देखिए 270 का टारगेट हमारा अचीव हुआ, 271 पे 45 पैसे का आज हाई लगा। अब यहां पर कल आप बाइंग करिए 272 रुपए के ऊपर, बट एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर जो है 3 दिन से कंटिन्यू अप मूव हो चुकी है, मे भी यहां पर एक छोटी सी करेक्शन आ सकती है या यहां पर एक डोजी टाइप की कैंडल बन सकती है। सो यहां पर जो है अगर आप यहां पर बाइंग अपना बना रहे हैं 272 रुपए के ऊपर तो 275 के आसपास अपना जो है 70-75% क्वांटिटी बुक करके बाकी का स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके आप जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती होगी, आपको काफी कुछ सीखने को मिलता होगा। तो देखिए चीजें देखिए समझना समझिए, समझ के ट्रेड करिए। अगर समझ के ट्रेड करेंगे, सीख के ट्रेड करेंगे तो आपको यहां से पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज टेलीग्राम चैनल में देखिए आपको बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें वहां पर मिलती हैं। आपको मैं वहां पर देखिए घंटे पर मैं आपको वहां पर चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, मैं आपको वहां पर ये चीजें बताता हूं कि मैंने कौन सी कॉल में ट्रेड किया, मैंने कौन सी पुट में ट्रेड किया, मैंने ऑप्शन बाइंग की या ऑप्शन राइटिंग की, या फिर मैं आपको चार्ट वहां पर पोस्ट करता हूं, वहां पर मैं आपको सिग्नल देता हूं, एक हिंट देता हूं कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है। और देखिए जो मोस्ट ऑफ द काफी ट्रेडर्स ने मेरे को मेल किया था कि सर आप यहां पर एटलीस्ट यहां पर एक कॉल देना शुरू करिए, अब मैं वहां पर देखिए डेली कंटिन्यू वहां पर मैं कम से कम एक कॉल तो वहां देता ही हूं, और आज मैंने वहां पर आपको जो है मैंने 2 कॉल्स दी थी, और 2 कॉल्स जो दी थी एक का जो है 1:3 का वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पर अचीव हुआ था, एक का 1:2
टू हुआ था, बाकी हमने कंटिन्यू ट्रेल करके उसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो उम्मीद करता हूं जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, आपके समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर आपको क्या चीज समझनी है, या आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर वीडियो चाहिए, या आपको ट्रेंड लाइन पर वीडियो चाहिए, मैं वो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।